हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वेदर मेहरबान हुआ फिर से और बहुत अच्छी स्नोफॉल यहाँ पे हो गई है। बहुत लोगों को यहाँ इसकी वजह से मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। बहुत से हमारे जो गेस्ट हैं उनके फ्लाइट्स डिले हुए, कैंसिल भी हुए। और दोस्तों एक दिन ऐसा भी हुआ कि पूरे दिन में सिर्फ एक फ्लाइट ही लैंड हो पाई श्रीनगर में। एंड बाय लक हमारे वन ऑफ द गेस्ट उस फ्लाइट में थे। उस फ्लाइट से पहले एंड उसके बाद सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके थे दोस्तों। और भी दिन ऐसा हुआ, जो भी हमारे व्यूअर्स एटलीस्ट जैन से भी हमें फॉलो कर रहे टेलीग्राम पे, उन्हें ये अपडेट जरूर मिला होगा कि यदि आपकी ट्रेवलिंग टाइम 19 to 21 फेब है, बाय रोड आप आ रहे हो जम्मू टू श्रीनगर, तो आप अवॉइड करो। बहुत चांसेस है कि आप पूरे दिन के लिए भी फंस सकते हो दोस्तों। इस दौरान जो भी हमारे गेस्ट या हमारे वीआईपी सपोर्टर श्रीनगर में थे, उनको भी हमने यही सजेस्ट किया कि आप यहाँ वन नाइट एक्स्ट्रा स्टे करो श्रीनगर में। अगले दिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो, रोड क्लियरेंस हो जाए, तभी आप यहाँ से श्रीनगर से जम्मू के लिए वापस निकलो। और ये आपके सामने पहलगाम में जो स्नोफॉल हुई थी उसके बाद के नजारे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं लेडर रिवर आपके सामने है। एंड अल्टीमेटली जो ब्यूटी कश्मीर डिजर्व करता है वो उसे वापस मिल गई है दोस्तों। और ये हमारे वन ऑफ आवर गेस्ट मिस्टर आशीष फ्रॉम गुजरात, जो कि पहलगाम में थे इस टाइम पे। स्नोफॉल के दिनों दोस्तों चननवारी क्लोज हो गया था, अरु भी रुक रुक कर ही वहां पे गाड़ियां जा रही थी, बट अभी एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। जो लोकल यूनियन कैब्स है दोस्तों अभी तीनों वैलीज तक यहाँ पे जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि स्नोफॉल के दौरान पहलगाम गुलमर्ग से भी ज्यादा हार्श रहा। यहाँ ज्यादा ठंड पड़ी दोस्तों गुलमर्ग के मुकाबले। दोस्तों यहाँ रातों में ऑलमोस्ट -6 -7 हर दिन टच कर रहा था दोस्तों। गुलमर्ग में भी -5 -6 टच कर रहा था, बट पहलगाम में ये हार्शनेस ज्यादा थी क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ ड्राई था क्लाइमेट, स्नोफॉल नहीं हुई थी। स्नोफॉल होने के बाद जो है एनर्जी रिलीज हुई, अभी आपको यहाँ थोड़ी सी कम हार्शनेस पहले के मुकाबले देखने को मिलेगी। कुछ दिन तक अभी मौसम सही रहेगा, बट फेब लास्ट में फिर से मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल देख सकते हैं ज्यादातर हायर रीजेस, मिडिल रीजेस, लोअर रीजेस एंड इवन श्रीनगर में भी दोस्तों। आगे के अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे दोस्तों। आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जिसके लिए ये वीडियो आपके लिए लाई गई है, वो है कि पूरे जैन में एंड फेब स्टार्टिंग में काफी ऐसे टूरिस्ट हैं जिन्होंने इंक्वायरीज की थी, जो कि मार्च में विजिट करना चाह रहे थे, मार्च मिड के बाद ट्यूलिप सीजन के अराउंड या फिर मार्च स्टार्टिंग में भी। उनमें से 60% ऐसे थे जिनके टूर कंफर्म थी, टिकट्स भी उन्होंने टाइमली करा लिया था, बट जो रिमेनिंग 40% गेस्ट थे उनकी प्लानिंग तो पूरी थी, हॉलीडेज भी उन्होंने अप्रूव करा कर रखे थे एडवांस में, बट फाइनल बुकिंग्स वो नहीं कर पा रहे थे। यूं मानो आप वो हाइबरनेट मोड में चले गए थे। अब जब उनके टूर डेट्स नजदीक आ गए हैं तब वो हमसे रिकनेक्ट कर रहे हैं एंड बुकिंग फाइनल करने को बोल रहे हैं। बट रियलिटी में जो प्लान जैन में या फेब में दी गई थी, फेब स्टार्टिंग में दी गई थी, जितने में हमने गुलमर्ग, पहलगाम हर जगह स्टे दिया था, द सेम प्लान कॉस्टिंग्स हैव बीन रिवाइज्ड बाय 25 to 50%। यानी अगर जैन फेब में आपको 50,000 में कोई टूर प्लान हम दे रहे थे, तो सेम प्लान अब दोस्तों 65,000 to 75,000 कॉस्ट कर रहे हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स एटलीस्ट हमें जैन से फॉलो कर रहे हैं, हमने मल्टीपल बार ये आपको आगाह किया था कि जो भी गेस्ट मार्च में आ रहे हैं वो जैन एंड या फेब स्टार्टिंग तक अपने प्लानिंग्स जो है फाइनल कर लें, क्योंकि रेट्स रिविजन यहाँ हमेशा होते आए हैं। कितनी भी बेकार सीजन भी हो दोस्तों, स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ तो भी मार्च अप्रैल हमेशा से पीक सीजन यहाँ थी और आगे भी रहेंगी दोस्तों। उसके बाद भी जो बहुत से हमारे व्यूअर्स थे उनके कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, उस समय उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब जब वो टूर प्लान फाइनल करना चाह रहे हैं तो या तो वो होटल्स ही सोल्ड आउट हो गए हैं उनके डेट्स पे, या फिर हमें उन्हें कोई हाई एंड स्टेज देना पड़ रहा है जिसकी वजह से बजट उनके हायर जा रहे हैं। बहुत से केसेस में बजट को सेम करने के लिए दोस्तों हमें गुलमर्ग के स्टेज हटाने पड़े, होटल चेंजेस करने पड़े, या फिर टूर लेंथ को भी हमें चेंज करना पड़ा। यदि 7 nights था तो उसे 6 nights करना पड़ा, तभी जाकर सेम बजट पे बुकिंग्स हो पाई दोस्तों। जो भी गेस्ट हमारे साथ अपने टूर प्लान कर चुके हैं, हमारे साथ ट्रैवल कर चुके हैं, उन्हें अच्छे से इस बात की अवेयरनेस है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स है दोस्तों होटल्स के साथ, वो B2B प्लेटफॉर्म पे चलता है, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, रेट्स हमारे अलग रहते हैं, रेगुलर लेवल पे इन सारे होटल्स में हमारी बुकिंग्स आती रहती है, इस वजह से हमारे गेस्ट को भी प्रायोरिटी दी जाती है दोस्तों। लेकिन यहाँ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे ही हमारे गेस्ट
टूर के लिए इंक्वायरी करते हैं, हमें अपने डेट्स बताते हैं, अकॉर्डिंगली हमें इन होटल्स को भी इंटीमेट करना पड़ता है, उन डेट्स को सेम रेट्स पे ब्लॉक रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ रेट्स हर तीसरे दिन दोस्तों रिवाइज होते हैं। यदि इंक्वायरीज ज्यादा आ रही है तो रेट्स भी ऊपर कर दिए जाते हैं, इंक्वायरीज कम आ रही है तो रेट्स भी वापस से नॉर्मल कर दिए जाते हैं। तो सेम रीजन से हमें इन स्टेज को उन पर्टिकुलर डेट्स के लिए ब्लॉक रखना पड़ता है और जब बुकिंग्स कंफर्म कर देते हैं, टोकन एडवांस हमें जब पे कर दिए जाते हैं तब फाइनल बुकिंग्स की जाती है एंड उसके बाद हमारे गेस्ट को मेल के थ्रू बुकिंग कंफर्मेशंस सेंड किए जाते हैं दोस्तों। तो सारे बुकिंग प्रोसेस काफी डायनेमिक होते हैं, लाइव सिनेरियो पे रहते हैं दोस्तों। यदि 3 घंटे पहले कुछ होटल्स आपके डेट्स पे अवेलेबल थे तो हो सकता है 3 घंटे बाद वो सेम होटल्स आपके लिए अवेलेबल नहीं हो एंड ये मार्च से लेकर जून तक काफी कॉमन है दोस्तों। एंड जो ग्रुप टूर्स होते हैं, जो बड़े फैमिलीज आते हैं, उसमें ये और भी मुश्किल पैदा करती है क्योंकि एक साथ हमें काफ़ी बड़े ग्रुप को एक होटल में रखना पड़ता है, 15-20 जो है रूम्स बुक करने रहते हैं, तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता किसी एक ही होटल में सारी बुकिंग्स मिल जाए। इसलिए हमेशा से हम ये सजेस्ट करते हैं कि टाइमली बुकिंग्स आप करो क्योंकि ये कश्मीर है, दिस इज़ द मोस्ट कमर्शियल डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया दोस्तों। हार्ड रियलिटी है कि होटल्स को यहाँ कस्टमर्स के गेस्ट की कोई कमी नहीं है। तो जो भी हमारे गेस्ट मार्च में आ रहे हैं, जो भी लेफ्ट ओवर अभी वैकेंसी है उसमें अगर वो बुक करना चाहते हैं तो जैसे ही आपको टूर प्लान हम शेयर करते हैं या किसी भी रिलायबल ऑपरेटर से आप टूर प्लान लेते हैं तो आप ट्राई करो कि तुरंत उसे आप यस या नो में रिवर्ट करो। यदि कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है होटल में प्लान में वो भी आप बेहिचक कन्वे करो दोस्तों। ये जो अवेलेबिलिटी स्टेटस थी दोस्तों ये कुछ दिन पहले की थी, अभी और भी जो अवेलेबिलिटी है आगे श्रिंक कर रही है, इवन अप्रैल 2nd वीक तक भी अच्छी खासी बुकिंग्स आ चुकी हैं गुलमर्ग में एंड पहलगाम में भी। तो ये थे कुछ बहुत ही जरूरी बातें जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे दोस्तों। जो हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे अपने रिक्वायरमेंट अपने डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम जल्द ही आपको रिवर्ट करेगी दोस्तों। दे आर डिफरेंट टीममेट्स एज पर टूरिस्ट रिक्वायरमेंट, जैसे ही कुछ बेसिक डिटेल्स आप हमसे शेयर करते हैं हम आपको तुरंत ही रिवर्ट बैक कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं मार्च अप्रैल में यहाँ विजिट कर रहे हैं वो कश्मीर गाइड पीडीएफ के बारे में इंक्वायरीज कर रहे हैं। दोस्तों हमने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, यदि आप अपने रिस्पेक्टिव टूर ऑपरेटर के साथ आ रहे हैं, अपने होम टाउन से आ रहे हैं या फिर सेल्फ टूर करके आ रहे हैं एंड आपको वो सारी बातें जाननी है जो कि नॉर्मली टूर प्लान्स में कवर नहीं होती एंड जो यहाँ के डिसऑनेस्ट लोग हैं, चाहे वो होटल वाले हो, कैब ओनर्स हो या फिर कुछ टूर ऑपरेटर्स हो, जिन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि टूरिस्ट यहाँ दोबारा आए या नहीं आए, ठग मेंटालिटी के साथ टूरिस्ट होस्ट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको किन किन बातों की अवेयरनेस होनी चाहिए राइट फ्रॉम अराइवल टू डिपार्चर, वो सारी प्रैक्टिकल बातें इस 18-पेज डॉक्यूमेंट में शेयर की गई है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे पुराने गाइड वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं, हर एक बात जो टूरिस्ट को यहाँ फेस करनी होती है वो काफी अच्छे से उन्हें बताई गई है। अगर आप उन वीडियोस को भी देख लेते हैं तो आप हर एक लोकेशन पे ना ही सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनते हो बल्कि आप काफी अच्छे अमाउंट भी हर लोकेशन पे यहाँ सेव करते हैं दोस्तों। यदि आप लोकल साइट सीइंग कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, लोकल यूनियन कैब से आप जो है अलग अलग वैलीज देख रहे हो, तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अपने जो कैब सर्विस है, अपने टूर प्लान है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके बिना यहाँ स्कैम हुए। यदि आप एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शिखर राइड कर रहे हैं, तो कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए राइड के दौरान, कौन कौन से घाट्स यहाँ मोस्ट करप्ट है, जैसे आप दल लेक में शिखारा राइड करते हैं तो अराउंड 25 मेन घाट है, 25 घाट्स आ देयर दोस्तों, कौन कौन से घाट्स ऐसे हैं जहां हमें अवॉइड करना चाहिए। हमने ऐसे भी टूरिस्ट देखे हैं जिन्होंने शिखरर राइड के नाम पे 25,000 भी दिए हैं दोस्तों और बहुत ही आसानी से उन्हें कन्विंस कर उतने पैसे भी निकलवा लिए गए। और ये सिर्फ श्रीनगर में नहीं बल्कि हर एक लोकेशन पे ये नेक्सस चलता है एंड मार्च से लेकर जून तक ये अपने पीक पे रहता है दोस्तों। सारे लोकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कंपाइल्ड फॉर्म में एक जगह पर चाहिए तो आप हमारे डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी शेयर की गई हैं जो कि जनरली आपको पब्लिक में यहाँ कोई नहीं बताएगा दोस्तों, और जिन अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में हमारी टीम हमेशा से रही है, उन सब बातों को लेकर जो यहाँ के लोकल यूनियन से, जो डिसऑनेस्ट स्टेक होल्डर्स है यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो हमसे हमेशा खफा रहते हैं दोस्तों। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ आवर टीम मेंबर्स इन कंपाइलिंग दिस डॉक्यूमेंट, अ नॉमिनल अमाउंट इज बीइंग चार्ज्ड फॉर द डॉक्यूमेंट, ऑल्सो बी अवेयर दैट दिस इज अ कॉपीराइट डॉक्यूमेंट। हमने हमेशा से यही चाहा कि ये बस जो नीडी टूरिस्ट है उनके ही हाथ ये डॉक्यूमेंट
लगे दोस्तों। एंड जो हमारे एथनिक शॉपिंग एथनिक फूड के शौकीन व्यूअर्स हैं, जैसे कनी पश्मीना नॉर्मल कश्मीरी शॉल, ये सब भी यदि आप चाहते हो यहाँ से ले जाना, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, उनके लिए भी जो यहाँ पे सबसे पुराने लोग हैं, जो ओरिजिनल फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो सारे डिटेल्स भी यहाँ मेंशन किए जाते हैं दोस्तों विद कॉन्टैक्ट नंबर। तो उम्मीद है अब आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कंक्लूजन, इट्स अ यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट। यदि आप इसको लाइन बाय लाइन फॉलो कर लेते हैं एंड हमारे सजेशंस को आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप अच्छे खासे अमाउंट यहाँ पे सेव करके जाएंगे विद गुड मेमोरीज। एंड जो हमारे साथ ऑलरेडी आ रहे हैं, जो हमारे साथ अपने टूर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एवरी स्टेप गाइडेंस राइट फ्रॉम अराइवल टू डिपार्चर इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। उनको हम पर्सनली गाइड करते हैं। एज सेड बिफोर, हम बस टूर बुकिंग्स नहीं करते, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टूरिस्ट एक्सपीरियंस की। जो हमारे गेस्ट यहाँ आ रहे हैं, हर एक बातों के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दोस्तों जैन में जब बहुत ही कम स्नोफॉल हुई थी, पूरा कश्मीर ड्राई चल रहा था, उस टाइम भी हमारे कुछ ऐसे गेस्ट थे जो कि गुलमर्ग जा रहे थे, वहां पे वो निराश होकर वापस आ रहे थे। हमने उनको सरप्राइज ऑफ बी डेस्टिनेशन का टूर कराया, जहां पे वो काफी एंजॉय उन्होंने किया, लाइव स्नोफॉल भी देखा और ऐसे मेमोरीज यहाँ बनाए जो वो शायद अभी ना भूले दोस्तों। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर की जो नेक्स्ट स्नोफॉल है वो हमें कब से देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप नोट कर लो, 27-28 फेब जो है यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रहे हैं, कंडीशंस बिल्डअप हो रहे हैं कि फिर से जो है एक अच्छे स्पेल हमें देखने को मिल सकती है इन ऑल द प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस। उसके बाद मार्च का जो फर्स्ट वीक है दोस्तों, उसके भी शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा चांसेस बिल्डअप हो रहे हैं। दोस्तों एयर ट्रैफिक एंड रोड ट्रैफिक दोनों इससे अफेक्टेड होने के काफी चांसेस हैं। कंफर्म अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हमारे कम्युनिटी अपडेट्स पे भी ये सारी बातें हम पोस्ट करते रहते हैं, बट टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़े क्योंकि सबसे पहले हम यही अपडेट करते हैं। दोस्तों वीडियोस लाने में काफी टाइम लगते हैं, हमेशा वीडियोस नहीं ला पाते। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।